हेलो एवरीवन, आई एम सिया सहरावत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी बेस्ट बुक है फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट नीट 2025 के लिए। कौन सी बुक बेस्ट है आपके लिए और कौन सी बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बुक्स बताऊंगी, तीनों सब्जेक्ट में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। लेट स्टार्ट द वीडियो। बुक्स बताने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जितनी ज्यादा बुक्स आपके पास होंगी ना, उतना ही आप अपने सिलेक्शन से दूर जाओगे, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको समझना ये है कि बहुत सारी बुक आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। जैसे कि आप सबको पता है, नीट की प्रिपरेशन के लिए मार्केट में नई नई बुक आती है, जितने भी राइटर है सब अपनी अपनी नई नई बुक देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपके पास बहुत सारी बुक होनी चाहिए और आपको उन सब में से पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर आपके पास लिमिटेड बुक होगी ना, आप उसे बार बार रिपीट करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। जो आपकी लिमिटेड बुक होगी उन बुक को आप बार बार पढ़ोगे ना, वो मैटर करेगा, वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ना कि ज्यादा बुक होने से, ज्यादा बुक पढ़ने से आप इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे, वो आपको सिलेक्शन से दूर करेगा। इसलिए आपके पास लिमिटेड बुक होनी चाहिए। मैं आपको एक गारंटी दे के बोल सकती हूँ, इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे ना, उसमें से 99% बच्चों को एनसीईआरटी की बुक अच्छे से नहीं आती होगी। इसलिए आपको ज्यादा बुक ना करते हुए सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आपका पूरा नीट का पेपर आता है। चाहे आप अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही पूछे गए हैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपनी नीट 2025 के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बायो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा आधा पेपर बायो में से ही आता है। बायो हमारी 360 मार्क्स की आती है। हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायो में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बुक होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से ही पूरी बायोलॉजी का पेपर आता है। आपको सबसे पहले इस बुक को पूरा करना है, उसके बाद ही आपको दूसरी बुक पे जाना है। अगर हम अपनी क्लास 11th की बात करें, ये हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको दूसरी बुक पे ही जाना है। जब तक ये नहीं आएगी आपको दूसरी बुक पे जाना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लास 11th की हो गई है और ये हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। सबसे पहले जब आप पूरी क्लास 11th की और पूरी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लोगे, उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आपकी रिवीजन की बारी आएगी, रिवीजन में आपने अपनी एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ ली है क्लास 11th की और क्लास 12th की, आपको ऐसी बुक चाहिए जो एनसीईआरटी का ही मटेरियल हो, जो आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर सको। उसके लिए आप ये बायोलॉजी की टेबलेट बुक ले सकते हो, जो सिर्फ नीट यूजी के लिए बनाई गई है स्पेशलिस्ट। बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपकी एक एक एनसीईआरटी की लाइन दी गई है, एक एक फुल फॉर्म दे रखे, तो आप रिवीजन के लिए आप ये यूज कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक हो गई और बायोलॉजी टेबलेट की बुक हो गई। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे साल बायोलॉजी में इसके अलावा कोई बुक मत खरीदना, बस इन दोनों से पढ़ना, फिर देखना आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आ जाएगी। अब ये दोनों तो आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर रिवीजन के लिए आपने बायोलॉजी की टेबलेट यूज कर ली, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बुक चाहिए। बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक की जरूरत पड़ सकती है और पड़ती भी है, जिससे हमें पता चल सकता है कि बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तुम बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमटीजी की फिंगर टिप्स बुक यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। ये जो एमटीजी फिंगर टिप्स बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आप बायोलॉजी पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए सफिशियंट होगी। तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ आपको तीन बुक को फॉलो करना है। एक तो आपको एनसीईआरटी ले लेनी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्लास 12th की एनसीईआरटी होनी चाहिए। फिर आपको रिवीजन करना, उसके लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, जो सिर्फ नीट यूजी के लिए बनाई गई है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एमटीजी फिंगर टिप्स यूज कर सकते हो। इन तीनों बुक के अलावा बायो में आपको कुछ और नहीं पढ़ना, ना और कोई और बुक लेनी है, क्योंकि जितनी बुक लोगे ना, उतना ज्यादा आप फंसोगे। आपको फंसना नहीं है, आपको जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा सिर्फ
उनके हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में से ही आता है। बायोलॉजी के लिए बस ये तीन बुक फॉलो करो। अब केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। अगर अब हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में भी मैं अगेन मैं आपसे कहूंगी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी और ये भी हमारी क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी है। क्लास इलेवंथ में हमारी पार्ट वन और पार्ट टू करके दो एनसीईआरटी है। ऐसे ही हमारी क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है पार्ट वन और पार्ट टू करके। आपको ये चार बुक क्लास इलेवंथ की और क्लास ट्वेल्थ की, इन्हें ही फॉलो करना है अगेन, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की आपको एक एक लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की और उसी में से ही क्वेश्चन आता है। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री को फॉलो कर लेते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को, पर जब वो फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं ना, वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट ही नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। पर मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री के आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए भी आप एमटीजी की बुक ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखोगे, जब चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, वो केमिस्ट्री के लिए एमटीजी की बुक से ही ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी एमटीजी हो गई और आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये आपकी क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी हो गई है, ये क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी हो गई और ये क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी हो गई है। बस आपको इतनी ही बुक केमिस्ट्री में फॉलो करनी है। अब हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में ये आपकी क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी है पार्ट वन पार्ट टू, ऐसे ही ये आपकी क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है पार्ट वन पार्ट टू। बट फिजिक्स के लिए आपकी एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फिजिक्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी। तो फिजिक्स के लिए आपको एक ऐसी बुक की जरूरत पड़ेगी जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए फिजिक्स के, और फिजिक्स में जिसमें एग्जांपल हो और एग्जांपल को रिलेट करके आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सको फिजिक्स के। फिजिक्स के लिए आप एससी वर्मा यूज कर सकते हो, जो कि बहुत बच्चे यूज करते हैं। नहीं तो एक बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए, बेस्ट बुक है, जो सिर्फ नीट के लिए बनाई गई है, ये आती है एडलेस फिजिक्स के नाम से, जो सिर्फ नीट के लिए बनाई गई है। इसकी दो वॉल्यूम आती है, ये वॉल्यूम वन है फिजिक्स की, ये वॉल्यूम टू है फिजिक्स की। ये दोनों बुक आप फिजिक्स के लिए यूज कर सकते हो, ये बुक बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से जो एचसीवी बुक है वो थोड़ा नीट वाले बच्चों के लिए कम है, बट जेई वालों के लिए बहुत अच्छी है, पर नीट वाले बच्चे भी उसे यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको एससी वर्मा थोड़ी ना कम बोलूंगी यूज करने के लिए, क्योंकि उसे जेई के बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, नीट के बच्चे भी यूज करते हैं, आप कर सकते हो। अगर आपको एक प्रॉपर बुक चाहिए फिजिक्स के लिए, जो आप एक साल तक उसे अच्छे से यूज कर सको, तो आपके लिए बेस्ट होगी ये वाली एरलेस फिजिक्स वाली। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ले सकते हो, ये नीट के लिए काफी अच्छी है। इससे आपके कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हुए हैं सोल्व करने के लिए। पहले आप इससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, फिर आप इसमें क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। और इस वाली बुक में ना पहले ना थ्योरी दे रखी है, जैसे कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर की पहले स्टार्टिंग में थ्योरी दे रखी है आपको समझने के लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, और क्वेश्चन इतने दे रखे हैं ना आप पूरे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाओगे। आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे कि मैंने इस बुक के सारे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाया, मेरे क्वेश्चन रह गए, आप पर चैप्टर 200 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में अपनी ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको बताई। ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। इनके अलावा मैं आपको कोई भी बुक नहीं बोलूंगी कि आप ये वाली बुक खरीदो, ये वाली बुक फॉलो करो, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। बस आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, क्योंकि नीट का पेपर पूरा एनसीईआरटी में से ही आता है। बायो के लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही पढ़नी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एमटीजी की बुक बता दी, और फिजिक्स के लिए आप ये वाली बुक खरीद सकते हो, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इसमें आपके लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।